फ्रेंड्स, आज है हमारी आइसक्रीम क्लास का डे 24th और आज मैं आपके लिए बिल्कुल नए तरीके की आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे हाफ एंड हाफ आइसक्रीम, यानी कि एक ही आइसक्रीम में आप दो फ्लेवर का मजा ले सकते हैं एक ही साथ। तो बहुत ही मजेदार ये स्ट्रॉबेरी और वनीला फ्लेवर की हम आइसक्रीम बनाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही मजेदार लग रही है ये दिखने में। तो अगर आपको भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मार्केट जैसी आइसक्रीम घर पे बनानी है तो आप इन रेसिपीज को देखकर बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बिल्कुल मार्केट वाली रेसिपीज आप घर पे ही आइसक्रीम की बना सकते हैं। अगर आपने हमारी बाकी की आइसक्रीम क्लास की रेसिपीज को मिस कर दिया है तो उन सब की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उन सबको भी आप जरूर से चेक कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया, कोई भी मोटे तले का बर्तन ले ली। इसमें हम डालेंगे एक कप दूध। तो यहाँ पे ये जो कप है मेरा 250 ml साइज का। प्रोफेशनल तरीके से आपको आइसक्रीम बनानी है तो मेजरिंग कप का ही आपको इस्तेमाल करना है। और जो दूध हमने यहाँ पे लिया है ये फुल क्रीम होना चाहिए, पानी मिक्स या फिर गाय के दूध का आपको इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पर। साथ ही आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जो दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कच्चा होना चाहिए और फुल क्रीम होना चाहिए। अब यहाँ पर इस दूध में हम डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर आप यहाँ पे किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, आप चाहे तो डेरी वाइटनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। साथ ही हम इसमें 1/4 कप यहाँ पे डाल देंगे पाउडर चीनी। तो नॉर्मल चीनी ली थी जिसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है। अगर आप इसमें नॉर्मल चीनी डाल रहे हैं, पीस कर नहीं डाल रहे हैं, तो सिर्फ 2 से 2.5 चम्मच ही डालें। साथ ही अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। तो 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। कॉर्नफ्लावर जो आप इस्तेमाल करें कुछ इस तरीके की जो पैकिंग में मिलता है वही आपको इस्तेमाल करना है। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं लेकिन जो खुले में होता है वो इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ पर सारी चीजों को हम कर लेंगे मिक्स। आज इस आइसक्रीम में हम CMC पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इसमें CMC पाउडर का इस्तेमाल करना है तो आप हमारी आइसक्रीम क्लास की जो रेसिपीज है 22nd और 23rd वाली उसको चेक कर सकते हैं। आपको उसमें पता चल जाएगा कि कितना और कैसे इस्तेमाल करना है CMC पाउडर का। तो आज हम ये आइसक्रीम बिल्कुल नेचुरल तरीके से बना रहे हैं, जैसे मैंने आपके साथ बाकी की रेसिपी शेयर की है ऑलरेडी। बिल्कुल नेचुरल तरीके से कोई भी स्टेबलाइजर का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मिक्स हमारा अच्छे से यहाँ पे तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे गैस पर रख देते हैं और गैस पर रखकर हम इसे पकाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है गैस को सबसे पहले आपको लो फ्लेम पे रखना है और आपको इस मिक्सचर को बिल्कुल लगातार इस तरीके से चलाते रहना है ताकि ये तले में जाकर चिपक ना जाए और यहाँ पर ये मिक्सचर बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे और आप देख सकते हैं मिक्सचर गाढ़ा भी हो गया है और इसमें एक अच्छा सा उबाला आने लग गया है। तो इस मिक्सचर में जैसे ही अच्छा सा एक बॉइल आ जाएगा तो उसके बाद सिर्फ 30 से 40 सेकेंड के लिए हम इसे पकाएंगे। इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, आप इसे लगातार चलाते हुए इस तरीके से पका लें। तो यहाँ पे गैस को कर दिया है मैंने बंद और इस मिक्स को हमें करना है पूरी तरह से ठंडा। तो आपको इस मिक्सचर को बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना है, फ्रिज में रखकर बिल्कुल भी आप इसे ठंडा ना करें। बीच बीच में आप इसे इस तरीके से चला लें और अच्छे से ठंडा कर लें। अब यहाँ पर हम स्ट्रॉबेरी का क्रश बना लेते हैं, इंस्टेंट वाला फ्रेश स्ट्रॉबेरीज का यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे 1 कप फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लिए जिसे बारीक सा मैंने चॉप कर लिया है। इसे हम डालेंगे एक पैन में और पैन को यहाँ पर बिल्कुल हम लो फ्लेम पे रखेंगे गैस को। और इसमें अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पे 2 बड़े चम्मच चीनी। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून इसमें चीनी डाल दी है। हमें यहाँ पे इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें यहाँ पे जो हमारी स्ट्रॉबेरीज है उसे हमें अच्छे से कुक करना है। इस तरीके से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे बीच बीच में और हमें इसे बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट होने देना है। लो फ्लेम पे हम इसे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। चीनी डालने की वजह से आप देख सकते हैं इसमें पानी निकलने लग गया है और जो स्ट्रॉबेरी है उसमें भी थोड़ा सा पानी होता है। तो अच्छे से ये इसमें पक जाएगी, इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा आप इसे मैश करते रहें बीच बीच में और इसे हमें लगभग 4-5 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ पर ये मिक्सचर अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा लिक्विड ही और जैसे जैसे पकते जाएगा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। कुछ इस तरीके का हमारा ये मिक्सचर यहाँ पे तैयार हो गया। लगभग मैंने 5 से 6 मिनट के लिए इसे पका लिया। स्ट्रॉबेरी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो इस मिक्सचर को अब हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे फिर ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसे पूरी तरह से ठंडा कर लें अगर आप चाहें। अगर आपको एकदम स्मूथ आइसक्रीम चाहिए तो आप इस मिक्सचर को ठंडा होने के बाद ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा ग्राइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम। तो यहाँ पे 1/4 कप हम नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम लेंगे। 1 कप मैंने यहाँ पे डाल दिया है। क्रीम देखिए तो बिल्कुल लिक्विड ही है लेकिन अच्छे से ठंडी यानी कि चिल्ड होनी चाहिए। और साथ ही मैंने ये 1/4 कप और क्रीम डाल दी है। तो टोटल हमने यहाँ पे 1/4 कप नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम ली है।
बर्फ जमी हुई क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आप बर्फ जमी हुई क्रीम को व्हिप करेंगे तो जो आपकी आइसक्रीम बनेगी उसमें आइस क्रिस्टल पड़ सकते हैं। क्रीम को अब हम लगभग 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से व्हिप कर लेंगे या फिर तब तक जब तक ये अच्छे से अपनी क्वांटिटी से डबल हो जाए और साथ ही इसमें अच्छे से सॉफ्ट पीक्स बनने लगे। केक सजाने के लिए जो हम क्रीम व्हिप करते हैं उसे थोड़ा ज्यादा व्हिप करना होता है स्टीप पीक्स आने तक, लेकिन जब हम आइसक्रीम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें क्रीम को थोड़ा सा कम ही व्हिप करना होता है। एकदम अच्छे से हमारी क्रीम यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हिप हो गई है। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। तो मैंने यहाँ पे ये 1/4 कप कंडेंस मिल्क ले लिया है। आप होममेड या किसी भी ब्रांड का कंडेंस मिल्क यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ये जो दूध वाला हमने मिक्सर तैयार करके रखा था ये सारा मिक्सर भी हम इसमें डाल देंगे। मिक्सर आपका पूरी तरह से यहाँ पे ठंडा होना चाहिए। ये मिक्सर हमने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा पहले हम इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें इलेक्ट्रिक बीटर चला लेंगे लगभग 30 से 40 सेकंड्स के लिए ताकि सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से लगभग 30 से 40 सेकंड्स के लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करना है। तो बढ़िया से ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। तो ये प्लेन हमारा आइसक्रीम का बेस बिल्कुल यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब आप इसमें अपने फ्लेवर का कोई भी फ्लेवर ऐड करके आप यहाँ पर जो भी फ्लेवर की आपको आइसक्रीम बनानी है इस बेस से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आइसक्रीम का जो बेस है हमारा तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमें आधा इसमें से वनीला आइसक्रीम बनाना है और आधा हमें इसमें बनाना है स्ट्रॉबेरी। तो मैंने यहाँ पे 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले हम वनीला आइसक्रीम बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आइसक्रीम का जो बेस है इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसे हम थोड़ा सा पहले इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें इलेक्ट्रिक बीटर चला लेंगे लगभग 20 से 30 सेकंड्स के लिए। बहुत ज़्यादा देर नहीं चलाना है, सिर्फ 20 से 30 सेकंड्स के लिए अच्छे से आप इलेक्ट्रिक बीटर चला लें और इसे मिक्स कर लें। अब यहाँ पर मैंने एक यहाँ पे जो ब्रेड बनाने वाला टिन होता है कुछ इस तरीके का मैंने ले लिया है। आप किसी भी टिन में, आपके पास जो भी टिन हो या फिर किसी भी बॉक्स में आप इसे आइसक्रीम को सेट कर सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे क्लीन रैप लगा लिया और अच्छे से इसे यहाँ पे कवर कर लिया है इससे, ताकि जब हमारी आइसक्रीम सेट हो जाए और उसे हम डीमोल्ड करें तो बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाए। आप यहाँ पे क्लीन रैप की जगह पे फॉइल पेपर या फिर बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आइसक्रीम को सेट करने के लिए इस तरीके के एयर टाइट बॉक्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें ये वनीला आइसक्रीम का जो बेस हमने तैयार करके रखा है। सबसे पहले ये सारा बेस हम इसमें डाल देंगे और आप देख सकते हैं बेस हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और एकदम स्मूद है। तो आप सोच ही सकते हैं हमारी आइसक्रीम कितनी बढ़िया बनने वाली है। अच्छे से इसे हम स्प्रेड कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसे ऊपर से स्मूद भी कर लेंगे और अब हम इसे क्लीन रैप से अच्छे से कवर कर लेंगे। आप चाहें तो फॉइल पेपर से इसे कवर कर लें कुछ इस तरीके से। बिल्कुल आपको अच्छे से करना है इसे कवर ताकि इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल ना बने। और इसे अब हम लगभग 1 घंटे के लिए फ्रीजर में पहले सेट करेंगे ताकि ये हल्का सा सेट हो जाए और फिर हम इसके ऊपर हमारी जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है उसकी लेयर को अच्छे से सेट कर सके। आप चाहें तो इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए भी थोड़ा सा सेट होने देंगे, बट वैसे 1 घंटे में हल्का सा सेट हो जाता है और इसके बाद फिर आप अपने दूसरे आइसक्रीम की लेयर को इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक ये सेट होता है हम अपनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना लेते हैं। तो आइसक्रीम का जो बेस हमने आधा निकाल के रखा था वो ले लिया है मैंने प्लेन वाला और इसमें हम ये डालेंगे जो स्ट्रॉबेरी का हमने यहाँ पे इंस्टेंट वाला क्रश तैयार किया था ये सारा हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ग्राइंड करके फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे इसे थोड़े से जो चंक्स आते हैं स्ट्रॉबेरी की वो मुझे पसंद है इसलिए मैंने इसे ऐसे ही इस्तेमाल किया है। साथ ही हम यहाँ पे थोड़ा सा पिंक कलर का फूड कलर डाल देंगे। तो मैंने लिक्विड फूड कलर इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो जेल फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पिंक फूड कलर की जगह पे रेड फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हम पहले सारी चीजों को थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आ गया है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर चला लेंगे लगभग हम यहाँ पे 30 से 40 सेकंड्स के लिए और इसे अच्छे से कर लेंगे यहाँ पे मिक्स। आप चाहें तो स्ट्रॉबेरीज का जो हमने क्रश बनाया था उसकी जगह पे रेडीमेड वाला क्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 3 टेबलस्पून आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी ज्यादा शुगर होती है। जो हमने दूध का मिक्सचर बनाया था आप उसमें शुगर बिल्कुल भी ना डालें अगर आप यहाँ पर रेडीमेड वाला क्रश इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही आप चाहें तो यहाँ पे जो इमल्शन मिलता है स्ट्रॉबेरी वाला वो इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप एसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी की और उसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल के स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम आप तैयार कर सकते हैं। तो हमारा ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का मिक्सचर पूरी तरह से हो चुका है यहाँ पे तैयार। जब तक हमारा वनीला आइसक्रीम का जो बेस है वो अच्छे से फ्रीजर में सेट हो रहा है उतनी देर के लिए आप क्या करें, इस मिक्स को अच्छे से पहले कवर कर लें और कवर करने के बाद इसे आप नॉर्मल फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। यानी आपको इसको फ्रीजर में सेट नहीं करना है, नॉर्मल आप फ्रिज में रख दीजिए, इसे बाहर ना रखें ताकि ये अच्छे से ठंडा यानी कि चिल्ड बना रहे। तो नॉर्मल फ्रिज में आप इसे रख दीजिए। अब यहाँ पर 1 घंटे बाद हमारा जो वनीला आइसक्रीम का जो बेस है वो अच्छे से सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये सेट नहीं हुआ है लेकिन हल्का सा सेट हुआ है। अब हम इसके ऊपर हमारा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का जो लेयर है उसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसके ऊपर डाल देंगे हमारा ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम वाला मिक्सचर और अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेंगे और थोड़ा सा ऊपर से इसे स्मूथ भी कर लेंगे और अब हम इसे कवर कर लेंगे यहाँ पे
क्लीन रैप के साथ, या फिर आप चाहें तो इसे फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर लें। इसे कवर करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल अच्छे से आप इसे कवर करिए ताकि इसमें बिल्कुल भी बर्फ ना जमे। तो इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया से मैंने यहाँ पे इसे कवर कर लिया है, और कवर करने के बाद लगभग 10 से 12 घंटे के लिए हमें इसे सेट करना होगा फ्रीज़र में। फ्रीज़र में आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी सेट कर सकते हैं, या फिर आप इसे एटलीस्ट 10 से 12 घंटे के लिए अच्छे से सेट कीजिए, उसके बाद ही आप इसे डीमोल्ड कीजिए। जब भी आप इसे फ्रीज़र में सेट करें कोई भी आइसक्रीम या कुल्फी को, तो फ्रीज़र का टेम्परेचर आपको हमेशा हाई रखना है आइसक्रीम या कुल्फी को सेट होने के लिए। आइसक्रीम को मैंने ओवरनाइट के लिए बढ़िया से सेट कर लिया था फ्रीजर में, और चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं और हमारी आइसक्रीम को कर लेते हैं डीमोल्ड। आप देख सकते हैं क्लीन रैप मैंने लगाया था, इसकी वजह से बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल आसानी से हमारी आइसक्रीम यहाँ पे डीमोल्ड हो चुकी है, और बहुत ही बढ़िया से आइसक्रीम हमारी सेट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया और एकदम मज़ेदार लग रही है दिखने में, खाने में इस आइसक्रीम का बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट है। तो चलिए मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ। इस तरीके से आप स्लाइसेस में इसे कट करके सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पास्ते बहुत ही बढ़िया लग रही है, टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, एकदम सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हमारी आइसक्रीम बनी है। आप भी घर पर बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ये नेचुरल आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं, इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो इसकी फोटोज़ हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर से आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने हमारी बाकी की जो रेसिपीज़ को मिस कर दिया है उन सबको ज़रूर से चेक कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट ज़रूर से करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।